हाय व्यूअर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। तो मैं भी बस अच्छी हूँ। एंड आज की वीडियो कुछ अलग होने वाला है, मतलब बहुत ही एक हेल्पफुल वीडियो लेके मैं आई हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज है और लॉन्ग हेयर, लॉन्ग बोल सकते हैं आप, शॉर्ट भी बोल सकते हैं, मतलब शॉर्ट हेयर में होते ही है, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, मतलब स्प्लिटेंस। तो स्प्लिटेंस सबका ही होता है, ये कॉमन सा एक प्रॉब्लम है। ये वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे आप स्प्लिटेंस घर पे दो वे में रिमूव कर सकते हैं। और एक बात बोल दी तो कि ये जो हेयर कटिंग सीजर है हमेशा शार्प होना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे आपका जो स्प्लिटेंस है ऊपर से दिखाई देता है अच्छे से। दो प्रोसेस जो आप इजीली घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो ये अगर आप करें तो आपका बाल हमेशा के लिए डैमेज फ्री रहेगा और अच्छा रहेगा। और एक बात, मतलब बहुत लोगों ने ये भी बोलते हैं ट्रीमिंग करने से हेयर ग्रोथ होता है, सही है बात, बट मैं बोलूँगी कि आपका अगर बाल छोटा है ना, तक शॉर्ट हेयर है, आप अगर ट्रिमिंग इतना तक किया तो आपका हेयर लेंथ कैसे होगा? इसीलिए आपका एक मिनिमम हेयर लेंथ करना चाहिए। बोल रही हूँ कि ट्रिमिंग मत करिए। शॉर्ट हेयर में आप अगर ट्रिमिंग करें तो 6 महीने में एक बार करिए। अगर आपका हेयर लॉन्ग है तो 2 महीनों में एक बार कट सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। हेयर लेंथ का भी ख्याल रखना है आपका और साथ में ये डैमेज फ्री भी रखना है, बट हेयर लेंथ को बढ़ाने के बाद करें, नहीं तो आपका हेयर लेंथ कभी नहीं बढ़ेगा। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे चैनल ग्रो करने के लिए चाहिए। और साथ में जो घंटी दिख रही है उसको प्लीज़ बजा के जाइएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जाए और जल्दी से जल्दी आके आप मेरी वीडियो वॉच कर सकें, इसीलिए आपको ये बजा के जाना है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।